यार देखो, आईपीएल खेलने आना है तो तमीज से आओ, पूरा सीजन खेलो, और अगर नहीं आना है पूरे सीजन के लिए तो बाबू मत आया करो। आईपीएल खेलना है तो खेलो, वरना मत आओ। जी हाँ, ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का। इरफान पठान भारत के पूर्व ऑलराउंडर, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है और खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे जमकर भड़के हैं। आईपीएल की कई टीमें मुश्किल में पड़ी हुई नजर आई। हुआ यूं है कि आईपीएल टीमों में खेलने वाले इंग्लैंड के कई खिलाड़ी घर वापस लौट चुके हैं। ये बड़ा बड़ा पैसा बोली में लगवा कर, टीम का कॉम्बिनेशन बनवा कर और फिर प्लेऑफ से पहले चले जाना, ये अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की T20 सीरीज होनी है, जिससे सीरीज से इंग्लैंड अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी जाने से इरफान पठान नाराज है और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है, या तो पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहो या फिर मत आओ। और इसके बाद जो है पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जमकर इरफान पठान को ट्रोल भी कर रहे हैं। पठान ने इस पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट में लिखा, या तो पूरे सीजन उपलब्ध रहो या फिर आओ ही मत। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2024 में जिस तरह से विदेशी खिलाड़ी आईपीएल को छोड़कर बाहर गए हैं, उसके बाद एक नाराजगी जाहिर की है। और जब पीएसएल छोड़कर खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे होते हैं तब तो तुम्हें ये बात नहीं कहते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों 22 तारीख से पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान T20 सीरीज शुरू होने वाली है। इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वो सारे वापस बुला लिए हैं। जब से ये खिलाड़ी वापस आए हैं तब से इंडियन मीडिया में एक भूचाल आया हुआ है, जिसके ऊपर इंडियन टीम के खिलाड़ी इरफान पठान ने एक ट्वीट किया है कि अगर बाहर के खिलाड़ी आईपीएल खेलने आते हैं तो पूरा खेला करें, नहीं तो आए ना करें आईपीएल खेलने के लिए। जब से इरफान पठान ने ये ट्वीट किया है तब से इंडियन मीडिया में एक भूचाल आया हुआ है। आइए हम मज़ीद इसके ऊपर देखते हैं कि इंडियन मीडिया की क्या रद्दअमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। यार देखो, आईपीएल खेलने आना है तो तमीज से आओ, पूरा सीजन खेलो, और अगर नहीं आना है पूरे सीजन के लिए तो बाबू मत आया करो। ये बड़ा बड़ा पैसा बोली में लगवा कर, टीम का कॉम्बिनेशन बनवा कर और फिर प्लेऑफ से पहले चले जाना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर यही करना है तो फिर जरूरत नहीं है, तुम्हारे बगैर भी टीम बन सकती है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने आईपीएल 2024 में जिस तरह से विदेशी खिलाड़ी आईपीएल को छोड़कर बाहर गए हैं, उसके बाद एक नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि भैया देखो, या तो जी जान से खेलो पूरे सीजन रहो या मत आओ यार। तो अब हम सब जानते हैं कि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से पहले कई विदेशी खिलाड़ी ऐसे हैं जो लौट गए हैं, और इसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीरीज को लेकर यहां से वापसी कर गए। इसका असर यह है कि कई टीम ऐसी है जिनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल हिल गया है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स है, जॉस बटलर उनके सबसे बड़े प्लेयर रहे। न सिर्फ ये टीम बल्कि कोलकाता नाइट राइडर्स की भी अगर आप बात करेंगे तो फिल सॉल्ट जो है वो भी चले गए। फिल सॉल्ट जबरदस्त फॉर्म में थे। आरसीबी में विल जैक्स जो है वो आए थे, विल जैक्स किस्मत लेकर आए थे, जबरदस्त परफॉर्मेंस की, एक मैच में शतक मारा, एक तरफा मुकाबले में जिता दिया, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। रीस टॉपली को भी आरसीबी ने खरीदा था और उनका कॉम्बिनेशन काफी हद तक उन पर निर्भर कर रहा था, खासतौर पर विल जैक्स को लेकर। अब अलग अलग टीमों में जब अलग अलग कॉम्बिनेशन खराब होने लगे तो इरफान पठान ने फिर विदेशी प्लेयर्स पर भड़ास निकाल दी, कहा कि यार इतने सारे प्लेयर हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इन्हें बीच सीजन में नहीं जाना चाहिए। इरफान पठान कहते हैं कि भाई देखो, या तो आप पूरे सीजन के लिए आइए या फिर आप खेलने मत आइए, क्योंकि लाइन से प्लेयर गायब हुए हैं। आईपीएल खेलना है तो खेलो, वरना मत आओ। जी हाँ, ये कहना है टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का इंग्लैंड के खिलाड़ियों को, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने अब आईपीएल छोड़ दिया है और अब आईपीएल में आपको एक भी इंग्लैंड का खिलाड़ी खेलता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि इरफान पठान पहले खिलाड़ी नहीं है जो इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इससे पहले भी कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये बोल चुके हैं कि जो खिलाड़ी वापस जा रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाते हैं दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आईपीएल छोड़ दिया है, यानी कि आईपीएल सीजन 17 में आपको एक भी इंग्लैंड का खिलाड़ी खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है वो देश के लिए खेलने के लिए गए हैं, क्योंकि नेशनल ड्यूटीज को पहले निभाएंगे और ये जानकारी पहले से ही वो फ्रेंचाइजीज को दे चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की T20 सीरीज होनी है, जिससे सीरीज से इंग्लैंड अपनी वर्ल्ड कप की तैयारी करेगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी जाने से इरफान पठान नाराज है और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है, या तो पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहो या फिर मत आओ। यानी कि या तो आप पूरा सीजन खेल सकते हो तो आ जाओ, अगर आप खेल ही नहीं सकते तो आपको एक भी मैच खेलने के लिए आने की जरूरत नहीं है।
इरफान पठान भारत के पूर्व ऑलराउंडर, उन्होंने ट्वीट करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है और खास करके इंग्लैंड के खिलाड़ियों पे जमकर भड़के हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में 4 मैचों की T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसकी वजह से इंग्लैंड के जितने भी खिलाड़ी खेल रहे थे, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो T20 टीम का हिस्सा है, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा है, वो IPL को बीच टूर्नामेंट में छोड़कर अब वतन अपने लौट रहे हैं। चाहे वो जॉनी बेयरस्टो हो, चाहे वो जॉस बटलर हो, चाहे वो विल जैक्स हो, वो सारे के सारे खिलाड़ी अब IPL को छोड़कर जब अहम मुकाबला अब आने वाला है, यानी कि प्लेऑफ्स जो है अब वो नजदीक आ चुका है, ऐसे में सभी टीमों को फॉरेन प्लेयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में इरफान पठान ने कहा है, या तो पूरा टूर्नामेंट के लिए रहो और या फिर ना रहो, सीधी बात, नो बकवास, ये इरफान पठान ने कहा है। और इसके बाद जो है पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जमकर इरफान पठान को ट्रोल भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब PSL होता है और जब PSL छोड़कर खिलाड़ी IPL खेल रहे होते हैं, तब तो तुम्हें ये बात नहीं कहते हो, तब तुम ये बात नहीं कहते हो, जबकि IPL में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो नेशनल ड्यूटी को छोड़कर वो IPL खेल रहे होते हैं, तब आपके मुंह में दही जमा हुआ होता है, तब तो आप ये नहीं बोलते हैं कि भैया तुम्हें नेशनल ड्यूटी अपनाना चाहिए, तुम क्यों IPL खेलने आए हो। फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं देता हूं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में सीरीज हो रही थी और न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स जो है वो आ गए IPL खेलने के लिए, चाहे वो केन विलियमसन पूरे सीजन गुजरात के बेंच पे बैठे रहे, एक आध मैच में उनको मौका मिला, लेकिन वो बेंच पे बैठना उनको मंजूर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज नहीं खेले। फिलहाल IPL की कई टीमें मुश्किल में पड़ी हुई नजर आई। हुआ यूं है कि IPL टीमों में खेलने वाले इंग्लैंड के कई खिलाड़ी घर वापस लौट चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ एक T20 सीरीज खेलनी है और इसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप भी है। IPL में इस वक्त सबसे बड़ा बवाल इसी बात को लेकर हो रहा है। इसी बवाल को लेकर इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने एक तीखा ट्वीट किया। पठान ने इस पर नाराजगी जताते हुए पोस्ट में लिखा, या तो पूरे सीजन उपलब्ध रहो या फिर आओ ही मत। पठान की बात कहीं ना कहीं सही भी है। IPL को हमेशा से ही विदेशी खिलाड़ियों ने फॉर ग्रांटेड तो लिया है, जब मन करता है आते हैं और जब मन करता है चले भी जाते हैं। वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेली है, जिसके चलते बोर्ड ने टफ फैसला लिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।